पहले से हर काम हर किया जाता है। हमारे भूपेंद्र भाई साहब नेता मैनपुरी के पास 10 रुपया 100 के नोट में 10 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और भाई साहब को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। लोग हेलो राजमंत्री इतना हाँ और हमारे छोटे बड़े भाई आप लोग संगीत का दान दे तमाशा में खुद आनंद आ जाएगा और एक गच गच हमारे मास्टर जी ने कहा कि संध्या सुमरन आरती सुन दीपक महाराज आज अखाड़ो प्रेम को जागो सारी रात। इसका मतलब जानते हो आज पड़े ये आज की रात बड़े प्रेम की है जिससे हमारे भक्त लोग और हमारी माता बहने देखिए कितने प्यार से बैठी हुई है। हर चीज का एक समय होता है। बड़े सौभाग होते हो चढ़े के जहां पे चार लोग एक साथ बैठते हैं। आज ये प्रेम की रात है और तुम क्या कह रहे थे कि संध्या सुमरो खाट को सुनो धरी महाराज तकिया लागी प्रेम की सोजा बोल। बस बीच कहेंगे आज सोने की रात नहीं है जागने की रात है। समझ गया बैठ जाइए बैठ जाइए। जब तक हम ऑर्डर न दे खड़े बैठ हो जाऊंगा और क्या खड़ा हुआ हम तुम्हें ऑर्डर देंगे खड़े हो जाऊंगा बैठ जाओ। क्या बैठ जाइए मास्टर बदबीच कह ये क्या है जब कैसी थी बलब और लगो है क्या ये क्या है ये आपके लिए बैठने के लिए स्टूल ले आया हूँ। स्टूल कहाँ से लेकर आए हो? देखो यहाँ मैंने ऑर्डर दिया किसी ने नहीं बना पाया। सही बात है। फिर हमने जापान से मंगाया तुम्हारे लिए। अच्छा इसमें क्या विशेषता है? इसमें बहुत बढ़िया विशेषता। कौन सी विशेषता? जब मैं तो भारी तो स्प्रिंग करो जैसे भीग जाते। जितना बड़ा स्टूल नहीं है उससे बड़ा इसमें स्प्रिंग बड़ा है। तो मोटरसाइकिल में शॉकर पक शॉकर के तो लंबो जब दाब दे तो बुलेट काट दे के तो नहीं कही जाएगी। अच्छा अच्छा कही ऊपर मुखबल में छो। अच्छा बहुत बढ़िया स्टूल है जैसे तुम चाहते ऊपर बैठो देख लीजिए जैसे चाहते ऊपर तुम बैठो तो बैठते ही बैठा नीचे जाने
निकाल तुम बैठ ही जाओ। और जैसे तुम बैठ हो गए तो सेफ है उसे रिफर कर दे। याद रखो अब खड़े मत हो जाना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु पराब्रह्म साक्षात तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 गिरिजा सुमन और करो सिद्धि मम काज। आनंद राजो कंठ में सो राखो चन की राज। हे जी राखो चन की राज मात भरोसो टोपे भारी। आज सभा के बीच में सो लाज रख ले महा। आइएगा आदरणीय हमारे श्रोतागण, प्यार करने लोग बच्चों पिता समान बुजुर्गो, हमारी धूम पे पलने वाली माताएं बहने, आप लोगों के समक्ष में भाई को अपना लोन जम रख ले, खड़बर मत कर, समझ में। आप लोगों के समक्ष में तमाशा आप लोगों को दिखाया जाएगा। हरदौल भट्ट महाराज वीर सिंह की कहानी कुछ क्षणों के बाद आप लोगों को उसी की तरफ लेके चलेंगे। और देखिए आज यहाँ पर शादी भी है। देखिए एक मरा हुआ भाई मरने के बाद अपनी बहन कुंजावत को कैसे भात पहनाएगा, ये दास्तान आप लोगों को अभी 5 मिनट के बाद कथा को लेके चलूंगा। इससे पहले दो मिनट की माटी बनना, इसके बाद कथा सुनाऊंगा। आप लोग शांति से सिलवर करें, जब आप लोग शांति से बैठेंगे तो एकदम आनंद आएगा। और देखिए अगर बोलोगे तो बोलते रह जाओगे और हमको है सुबह चला जाऊंगा। आइएगा कहना है आप लोगों की एक लाइन, समझ सको तो समझ लेना। छोटे बड़े भाई हमारे जितने भर भर बैठे हुए हैं आज सभा के बीच में, हे जी आज सभा के बीच में अरे जो बैठे हो सबसे मेरी नमस्कार जो जिस लायक हो। तो कहना है अगर इस संसार में आए हो, इस मनुष्य बड़े किस्मत से ये शरीर मिलता है, जीव बहुत अच्छे कर्तव्य और कर्म करता है तब ये मनुष्य उन्हीं में आता है। वादा कुछ करके आते हो और यहां निभाते कुछ और हो, लेकिन हेलो हेलो तो आइएगा। मेरा तो आप लोगों से कहना है जितने हमारे यहां पर बैठे हुए सज्जन लोग कि अगर इस धरती पे आए हो तो कभी किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बात में किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। किसी ने कभी ने कहा है क्या सुनेगा इसकी आवाज थोड़ी ना तीव्र, किसी ने कहा है कि ये बोलने का दरवाजा तो एक है लेकिन बोलियों की कोई गिनती नहीं है, इसी दरवाजे से अच्छी निकलती और इसी से बुरी।
बुरी निकालने की तो कभी कोशिश न करो, बोलो तो हमेशा अच्छा ही बोलो। तो कहना किसी ने कहा है, सुनिएगा, के बोली ऐसी बोलियो जिस बोली में ढंग, बोली ऐसी बोलियो जिस बोली में ढंग, कि बोली ऐसी बोलियो जिस बोली में ढंग, ऐसे तो बोले पशु जा में नानस रंग। पशुओं की तरह से संसार में आके आवाज मत निकालना। फिर किसी ने कहा है के बोली एक अमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, के बोली एक अमोल है अरे बोल सके तो बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहिर ले खोल। हमारे और तुम्हारे शरीर में तराजू है, समाज में अगर तुम्हें तुम्हारी बोली का बात का अगर सम्मान हो वहां कहना चाहिए, जहां बात का अपमान हो वहां नहीं कहना चाहिए। मेरे साथियों कहना है, समय को देखते हुए वैसे तो बहुत कुछ मैं आप लोगों को बताता, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कब पानी आ जाए, तबलची को कम से कम तबला तो देखेंगे, कुल लोग तो जाई गाते हैं मास्टर के तबलची को तबला देख ले, और क्या कछु कह रहे हो इन लोगों को तो देखे देखे चले। तो आइए कहा कीमत मनाऊ सरस्वती मैया करो हृदय ने बास, नाव पड़ी मझधार में सो खेके लगाए दे। तो कहना है राज मंत्री तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हो, कहने का मतलब चलो एक आध लाइन कह दो क्योंकि समय खराब चल रहा है। तुम क्या क्या जानते हो, किसकंडा कौन, किसकंडा किसकंडा कौन, हाँ टुकरिया प्राण, टुकरिया प्राण, हाँ और तितकुटा, और महाभारत, और मौका कौन, नालायक कहीं के ये टुकरिया पुराण और ये किसकंडा कांड और ये भोंका कांड। तुमने कोई किताब पढ़ी भोंका कांड किया था, ये नालायक कांड 420 आज तक किसी यहाँ पर साहित्य के 90% नहीं तो 99% थोड़े थोड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, उन्होंने आज तक कोई भोंका कांड की किताब नहीं सुनी होगी, और जब किताब नहीं लिखी तो पढ़ी भी नहीं होगी, और जब पढ़ी भी नहीं होगी तो बदतमीज कहीं के तो तुम्हें याद नहीं हुई है। सबसे पहले भोंका कांड सुना, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि हम कम है या ज्यादा है या नहीं है, नहीं हमने सुना ही नहीं। रामचरित मानस पढ़ो कब, अबे रामचरित मानस तो सबई ने पढ़ा होगा भैया, सबने पढ़ो ये तो मामा, चौथे पन्ना में पीछू देखो मामा भोंका कांड, क्या कहा चौथे पन्ना में पीछू मामा, सफा 420 लिखी सफा पेज होगा, और वो भी तू पीछे बता रहा है कि किताब के बाहर लिखा है, नहीं पिछाओ लिखो पन्ना घर वही बात, मतलब पन्ना तो इधर पलटो तो लिखा होगा इधर पलटो तो लिखा होगा जब उसकी किताब ही बनी है, तुम्हारे कहने से भाई पिछाओ लिखो जरा सुनाइए भोंका कांड। अब तुमने भोंका कांड की कहानी सुनी, भोंका कांड अब तुम सुनो। भोंका कांड की कहानी सुना, मैं सुन रहा हूं। देखो राजा दशरथ ने केकई मां पे दो वरदान मांगे थे, क्यों बे राजा दशरथ ने केकई मां ने राजा दशरथ ने दो वरदान मांगे थे, कौन कौन, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, क्यों लेकिन
किस लिए मांगे थे? किस लिए मांगे थे? इसका कारण होगा ना कि केकई ने यानी दशरथ से ये दो वरदान क्यों मांगे थे? क्यों मांगे थे? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब उसने इसलिए मांगे थे कि अगर इनको बनवास हो जाएगा तो हमारे भरत और शत्रुघ्न का लाज हो जाएगा, इसलिए मांगे थे ना? है। अब इसमें जब पंचवटी से निकले कहाँ जा रहे थे? जब चित्रकूट पहुंचे जाए। अच्छा, चित्रकूट। अच्छा, तो आगू राम भैया और तिनके पीछे लक्ष्मण भैया और तिनके पछाऊ सीता भैया, चले जा रहे थे। अच्छा, चलत चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचे तो अच्छा। जब मापूस की ठंड लग गई, तो राम ने कही लक्ष्मण से क्या कि जब बताओ क्या हुआ? चित्रकूट के घाट पे मास्टर चित्रकूट के घाट पे लगी लखन को ठंड, रामचंद्र कहने लगे मरो लक्ष्मण के घंट। रामचंद्र वो कहने लगे बदमाश कही के जिसको क्रोध नहीं आ सकता है, जिसको गुस्सा नहीं आ सकती है, तो भला उसके बुखार बन से आ गया? गलत सब निकल सकता है? तो हमने तुम्हारी मान ली, बात मान ली, लेकिन राम को कभी गुस्सा नहीं, कभी गुस्सा नहीं आती थी, लेकिन पांडा हम मौका ही पे रहे। कौन इतना झूठ बोल रहा है? इतनी गुस्सा आई तो तुम्हें हम कहा बताएं उनको? हाँ, कैसे चलो बता रहे तुम्हें छोड़ मारे। अरे तो तुम्हें मारम जा रहे नहीं, क्या हुआ मास्टर? लगी लखन को ठंड, रजैया काए नहीं ले आए, 14 बरस को बनवास यहाँ का आइए चुदास। राजमंत्री बन जाइए, याद रखो अब नहीं बोलना। चिंता नहीं करो, हम वैसे कह रहे हैं कि मौसम खराब है, जल्दी आगे बढ़ा दें, आप लोगों को मौका नहीं देंगे, टेंशन मत ले। आइएगा। एक हो क्या खड़ा हो गया? मन चल गया। किस बात का? मन चल गया। अबे कैसा मन? अब भाई कसम, हम घटते चले तो हमारी मेहरूरा लड़ गई। इसलिए भाजे हमारी नौटंकी छूटी जाए, मैं ऑटो आएगा तो हमें इतनी जोर भूख लगी, फिर नहीं हम मन मानो सो फिर मौत की दुकान पे गए, सब खर पसारे तो दुनिया की हमने 250 ग्राम तो राई वो हुई लगो तो ठेका पेंडल। अच्छा, तो हमने चलाई तो मैं और कहूँ जगह नहीं मिली, ठेके ही जगह खावे मिली। हाँ, जो हमने खर खाई वो जो पानी पियो वो दो बिलाए और हमें मिल गए, भी हमने बिलाए उखाए ले सो अपनी खराब दे रहे तू मन चले ऊपर ये तो
अब तुम होश में रहियो, तुम्हारी को कर रही है तेरे ऊपर। मास्टर 10,000 तक के हेली पैसे होते घर का, तब जगह साज वाले गला माइक का सही सेट कर दे बेटा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, चलो भैया आ जाइए, बस दो लाइन में मार के चलो की, इसके बाद कथा की ओर आप लोगों को लेके चलेंगे। वैसे तो अभी कथा का टाइम नहीं है, 12:01 के बाद ही शुरू की जाती है, लेकिन मौसम खराब है इसलिए आप लोगों के भी लगी रहेगी। अरे चलो कोई बात नहीं, तो है भगवान।
सिंहासन पे और क्या है। अरे बात कहा लगा दई तेरी अरे दुश्मन की कर दई फेरी अरे सुधने रे मैया शरण रे कहीं के बहुत मारूंगा शब्द लेने मैया और क्या है सुनिएगा। अरे आबो सहदा मैया मुझसे बोलो मैया मुख से बोलो हम रेत वाले और क्या है अरे खमन खमन जहां मैं न बोल समक्ष आप लोगों के समक्ष
आप लोगों के समक्ष में आ जाइए। आप लोगों के समक्ष में हरदौल भक्त की गाथा। हाँ श्रीमान महोदय दीन कुमार घर मालिक, ये ढोलक बाजा के लिए 10 रुपया प्रियता फरमा दे, हमारी पार्टी धन्यवाद दे। हरदौल भक्त की गाथा की ओर लेकर चल रहा हूं आप लोगों। देखिए सब सज्जन सुनो, बिल्कुल नया आपके साथ सुनाऊ में भयो भक्त कलयुग में जन दुष्का बताऊ में पास झांसी के जाना जी आए और छा राजधानी है बोले वंश के छत्री सो उनकी कहानी है। हेलो हमारे महेश भाई साहब नवादा वाले इसी गांव के निवासी हमारे राजा साहब के लिए 10 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और भाई साहब को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। उन्हीं के वंश में पैदा हुए अरे जाहिर वीर बलधारी उन्हीं के लाल कहाए हर कौल कुमार मोतारी सत्यवादी ब्रह्मचारी अरे प्रण कीना था धर्म पर प्राण तज दीने मरे पर भार दीना दीना था। हाँ ये सज्जन ये धार निवासी ये चिंता वादक के लिए 20 रुपया बिल्कुल फ्री था फरमा दे हमारी पार्टी में। मेरे साथियों आएगा आज महाराज वीर सिंह के दो पुत्र थे, बड़े का नाम था जुझार सिंह और छोटे का नाम था हरदौल सिंह। एक उनकी बेटी थी जिसका नाम था कुंजावत, ससुराल चतिया में थी। मेरे साथियों महाराज वीर सिंह ओरछा का राज ऐसा चलाते थे कि प्रजा को पुत्र के समान बासल दिया करते थे। उनके राज में कोई छोटा बड़ा नहीं था, सबको एक समान समझा करते थे। मेरे भगवत प्रेमियों छेरी बकरी जात एक ही घाट पानी पिया करते थे। आज महाराज वीर सिंह देखिए कैसे राज को चलाते थे, सुनिएगा कहना है। हेलो हमारे दूल्हा साहब, दूल्हा साहब की दादी और राजा साहब के लिए 50 का नोट बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बहन जी को बार बार नमस्कार कर रहा हूं। ध्यान दें आपके सामने प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, सरकार ऊपर को जा रही है। मोदी जी ने कह दिया कि अब की बात में कुर्सी जी आपको वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, आपको वोट आपको जिताया जाएगा और आपके वोट बिल्कुल निरोग पड़ेंगे। राजमंत्री देखिए महाराज वीर सिंह कैसे राज को चलाते थे, सुनिएगा कहना है। हे जी नगर और छात्रा में बनाओ सब धामे जहां पे भाई आ रे जहां पे भाई
जहाँ के मेरा पीर सिंह बड़े बंधाई बंधाई और क्या है अरे चन चन में तोड़े तारे देखिए पीर सिंह जो तो बालक है वो कैसे सुने रहा अरे चन चन में तोड़े तारे करो ध्यान हाल रहो गाई इनकी चक्की चक्की की धोता स्वर्ग में राजा साहब के लिए 20 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं भाई साहब को बार बार नमस्कार करो जन जन में तो लाल करो कर ख्याल हाल रहो गई इनकी जस की रथ की ध्वजा सुरभित सिंह की सुरग में नहीं फौराई हेलो हमारे दूल्हा के दाऊ विनोद इसी का घर मालिक मान लो 10 रुपया हमारे राजा साहब के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं भाई साहब को बार बार नमस्कार तो तू हमारे गाय को काट दे पैसा को छोड़ दिए तो आइएगा कहना है कि महाराज वीर सिंह जिन जल में दो लाल करो कर ख्याल हाल रहो गाई जस की रथ की ध्वजा जगत में रही छाई और क्या सुनेगा पहले कुछ नियम हुआ करते थे घर में बड़ा लड़का होता था वही राज का मालिक बनाया जाता था ऐसे ही उस समय महाराज वीर सिंह के यहाँ जो उनका बड़ा बेटा था जुद्धार सिंह उसको राज तिलक कैसे किया जाता है सुनिएगा मास्टर अरे राजाओं की हाय अरे राजे नीत से अरे काम काज सब जो जेठा बेटा आज होता था वही है अरे नाच का मालिक होता था और क्या है सुनिएगा अरे इसीलिए राज के अधिकारी बड़े भैया जो झाड़े संगे कर लो
इसीलिए राज के अधिकारी बड़े भैया झार सिंह मालिक थे। और क्या है देखिए, ऐसे उस समय वीर सिंह के बाद जो झार सिंह का राज आया था उसी टाइम में, आप सुनिएगा, उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? महाराज वीर सिंह की पुत्र वधू का नाम था चंपावत, मतलब झार सिंह की पत्नी का नाम था चंपावत। आ जाइए चंपावत की तरफ, आप लोगों को लेकर चल रहा हूं कि चंपावत पति और देवर को कितना प्यार करती है, सुनिएगा। अरे सत्य बादल थी हाय चारे थी पति व्रत पत की प्यारी थी। और क्या है मास्टर जी? अरे हरे कौन कुमार प्यारे दोनों की अज्ञा की दौलत